हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट 100 पढ़ेगा इंडिया पे। सीबीएसई का जो नया सर्कुलर आया है वो ये कह रहा है कि टर्म वन और टर्म टू में किस किस चैप्टर को बाइफरकेट किया गया है और टोटल मार्क्स कितने हैं जो टर्म वन में होंगे और टर्म टू में होंगे। लेकिन इन सभी के बीच हम एक चीज शायद भूल रहे हैं, मैक्सिमम चैनल सिर्फ और सिर्फ टर्म वन टर्म टू दिखा रहा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कुछ ना कुछ हर बच्चे की तरफ से मुझे लग रहा है कि वो स्किप होती जा रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि सिलेबस 20-25% रिड्यूस हुआ है, इस पर हम में से किसी का ध्यान नहीं जा रहा। तो ये वीडियो मेरी सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो क्लास 9-12 के लिए है, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों का जो 21-22 का जो सिलेबस है उसमें 30% रिडक्शन भी हुआ है। जो लास्ट ईयर का एज इट इज सिलेबस था वही सिलेबस सीबीएसई ने इस साल भी आप लोगों के करिकुलम के लिए रखा है। अगर मैं मार्च के सर्कुलर की बात करता हूं जो मार्च में सीबीएसई ने अपलोड किया था कि पूरा सिलेबस ये है, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है आप लोगों को, लेकिन जो अभी आज टर्म वन टर्म टू का सिलेबस आया है उसमें नीचे हर सब्जेक्ट के नीचे सिलेबस लिखा हुआ है, तो उसको अगर आप ध्यान से देखते हैं, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं तो मैं मैथ्स के बारे में बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि अगर मैं 11th क्लास की बात करता हूं तो 11th क्लास से जो लास्ट ईयर भी बाइनोमियल थ्योरम नहीं थी उसको हटा दिया गया है, लास्ट ईयर मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं थी वो भी नहीं है इस साल। तो ये दो चीजें जो है क्लास 11th की मैं देख रहा हूं। क्लास 12th की तरफ जाता हूं तो क्लास 12th में भी कुछ चीजें चेंज की गई हैं, जैसे रिलेशन फंक्शंस में इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को हटा दिया गया है, बाइनरी ऑपरेशंस को हटा दिया गया है। मैं आगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की तरफ चलता हूं तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस को हटा दिया गया है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट लास्ट टाइम नहीं था, इस टाइम फिर इंक्लूड कर दिया गया है। इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक है, रॉस थ्योरम, लैग्रांजिय थ्योरम है वो हटा दिया गया है, डेरिवेटिव रेट मेजर हटा दिया गया है, अप्रोक्सीमेशन हटा दिया गया है। तो ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों का सिलेबस इस साल भी 25% तक रिड्यूस किया गया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, वहां से आप अपना सिलेबस देख सकते हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है। पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, लास्ट ईयर की तरह ही सिलेबस में रिडक्शन है, क्योंकि सीबीएसई का जो मार्च का सर्कुलर था उसमें सीबीएसई ने यही कहा था कि आप लोगों को कंप्लीट पढ़ना है, उस चक्कर में बच्चा सब कुछ पढ़ता जा रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि क्लास 10th और 12th के बच्चों ने बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, एक एक टॉपिक उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या ये टॉपिक सिलेबस में है या नहीं है। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि आप लोग अभी पढ़ने से पहले एक बार सिलेबस डाउनलोड जरूर करें। सिलेबस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, उसके बाद ही आप लोग फर्दर पढ़ना आगे स्टार्ट करें कि आपको पता चले ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है। अननेसेसरी पढ़ के अभी आप लोगों को बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिए कि सिलेबस में रिडक्शन हो चुका है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें हैं कि आप लोगों को 95% और 98% में गैप कवर कर सकती है। पूरा पढ़ना अननेसेसरी कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव वीडियो सीबीएसई 2021-22 के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं कि वहां आप लोगों को देख के पता चल पाएगा कि ये चीजें हमारे सिलेबस में है या नहीं है। चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज सिलेबस यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, लास्ट ईयर की तरह ही अगर देखा जाए जो लास्ट ईयर का सिलेबस था 99% इस साल भी वही सिलेबस सीबीएसई ने एप्लीकेबल किया है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग पर सिलेबस जरूर चेक करें पढ़ने से पहले, और उसके बाद ही आगे पढ़ना स्टार्ट करें। हमारा काम आप लोगों तक बिल्कुल सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, जिससे आप लोगों को अपने करियर ग्रोथ में बहुत अच्छे चांसेस मिलने की उम्मीद मैं रखता हूं कि इससे हो सकता है। थैंक यू, और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।